ज्वाइंट एक्शन कमेटी एवं भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा इनकी तत्वावधान में वर्थामला रोड शिव मंदिर परिसर ज्वाइंट एक्शन कमेटी हॉल में ड्राइवर प्रशिक्षण उद्घाटन किया गया। शुक्रवार को वाड़ी के ज्वाइंट एक्शन कमेटी एवं भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा इनके तत्वावधान में वर्धामला रोड के ज्वाइंट एक्शन कमेटी हॉल में ड्राइवर प्रशिक्षण का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सेक्रेटरी प्रहलाद अग्रवाल और भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा के संस्थापक नरेंद्र मिश्रा उपस्थित थे। इस शिविर में 1500 से 2000 ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो शुक्रवार से शुरू हुआ है। इस शिविर में उद्घाटन के रूप में पूर्व आरटीओ अधिकारी शरद जिस्कार और प्रशिक्षक बाबूलाल पवार उपस्थित थे। शिविर में उपस्थित सभी ड्राइवरों को परिवहन से संबंधित सभी जानकारियां और प्रशिक्षण दिया गया। एक रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुलाई है, यानी सबसे पहले अहम बात ऐसी है कि छिंदवाड़ा में जो योजनाएं आई, जो आपके जो ट्रक है, आज ऐसी परिस्थिति है कि आप नागपुर में ही जा सकते, या तो फिर अगर कोई छिंदवाड़ा गए तो छिंदवाड़ा में ही पास करता है। योजना ऐसी है और वो कानून में मंजूर भी हुई है कि आप नेशनल हाईवे पर अगर चलते हैं तो कौन सी भी ऑफिस में, वहाँ हर एक जगह एक ऑथोराइजेशन सेंटर खुला है और वो ऑथोराइजेशन सेंटर में अपनी अपनी गाड़ी आप पास कर सकते हैं। इस प्रकार का भी प्रावधान हुआ है, तो उसी प्रकार का पहला ऑथोराइजेशन सेंटर हमारे छिंदवाड़ा में हुआ था। उसका प्रचलन हुआ कि नहीं ये अलग बात है, आज सुनवा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पवार साहब आपको मालूम होगा, अब आके देखा होगा। जस्ट आटो की चेकपोस्ट के पहले वो साइड में एमपी में एक राइट साइड में आपको दाहिने बाजू दिखता है, तो ऑथोराइजेशन सेंटर वहाँ बनाया है। करीबन 10-15 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च किए। उसी प्रकार जो अशोक लेलैंड कंपनी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, यानी उसमें ऐसा किया है गवर्नमेंट की योजना में कि एक गवर्नमेंट और उसके साथ कोई प्राइवेट पार्टनर, एक गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम थी ड्राइवर भाइयों के लिए, जिसमें आज 30 ड्राइवर ट्रेनिंग लेने आए। ये इसमें ड्राइवरों को बेनिफिट मिलेगा, खाना हमारी संस्थाएं कर रही है और गवर्नमेंट उसको 500 रुपया और 2 लाख का 3 साल के लिए इंश्योरेंस दे रही है, और हमारी कंपनी उनको एक टी शर्ट दे रही है, जिससे कि उनको ये लगे कि भी उनको भी सम्मान और वो मिल रहा है। और इस तरह कोशिश हमारी है कि मिनिमम हम 1500 बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें, 1500 ड्राइवर भाइयों को ट्रेनिंग दे सकें, ये हमारा एम है। और इससे ज़्यादा भी आएंगे तो हम ट्रेनिंग देंगे ये, और आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई इसमें जुड़ेंगे। और आने वाले प्रोग्रामों में जैसे हमने ड्राइवर डिसाइड किया है कि 12वीं क्लास का बच्चा ड्राइवर बन के ही स्कूल से निकले, वो भी हमारा एक सोच है और उसको सरकार के सहयोग से उसको भी जामा पहनाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। एनबीसी न्यूज के लिए वाड़ी से सुली चिट्ठी के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।